अक्षरा सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में बोल्ड बिंदास और लोगों पर अपना जादू चलाने वाली एक्ट्रेस कहा जाता है। हाँ जी, या तभी तो उनके प्यार में काफी लोग गिरफ्त हो चुके हैं। खैर खैर खैर, ये उनके पास्ट की बातें हैं, लेकिन भाई प्रेजेंट में अक्षरा जी आपको किसका डर? आप तो भाई, आपने तो वो काम कर दिया है जहाँ पर लोग पवन सिंह से पंगा लेने के बाद इंडस्ट्री में रह नहीं पाते। आप तो रह रही हैं दिग्गजों की तरह, और फिर भी आपको काजल राघवानी से डर लग रहा है। भाई खेसारी लाल यादव के साथ आपकी फिल्म बबुआ बवाली आने वाली थी, लेकिन अब ये बात सुनने में आई है कि खेसारी लाल यादव के साथ उस फिल्म में आप नहीं दिखेंगी बल्कि काजल राघवानी नजर आएंगे। जी हाँ, सुनने में आया है कि बबुआ बवाली में काजल राघवानी अक्षरा सिंह की जगह ले ली है, और इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है काजल राघवानी की इनसिक्योरिटी। कहा जा रहा है कि अगर खेसारी और अक्षरा फिर से साथ आए और दर्शकों को उनका वो वाला प्यार मिल गया, यानी कि पुराना वाला प्यार मिल गया, तो काजल राघवानी का क्या होगा? काजल राघवानी तो आजकल खेसारी लाल यादव की गुड लक बनी हुई है। कहीं ये गुड लक अक्षरा सिंह बन गई तो खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की फिल्मों की लाइन लग जाएंगी, और काजल राघवानी को कोई पूछेगा नहीं, और काजल राघवानी का बना बनाया करियर जो आजकल पिक पे चल रहा है सीधे डाउन हो जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि फिल्म बबुआ बवाली से काजल राघवानी ने अक्षरा सिंह का पत्ता साफ कर दिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह से आम्रपाली ने लल्लू की लैला से काजल राघवानी का पत्ता साफ कर दिया था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो बबुआ बवाली का पोस्टर रिलीज हो या फिर उसके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, ये बात खुद सामने आकर कहे। लेकिन ये बात तो तय है कि काजल राघवानी बड़ी ही डरी हुई है अक्षरा सिंह से, या यूं कह ले कि काजल राघवानी में खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की जोड़ी को लेकर इनसिक्योरिटी आ गई है। वैसे भी कोई इसमें नई बात नहीं है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन का करियर तब तक जब तक हीरो का साथ, जहां से सुपरस्टार हीरो का साथ छूटा वहां से हीरोइन का करियर डाउन हो जाता है। और भाई अपने जमे जमाए करियर पे लात कौन मारना चाहेगा? भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।